ठाकुर साहब। हाँ बोलो। हम गजोधर बोला तानी। भाई साहब, भाई साहब, गजोधर। हाँ बोल गजोधर, फोन कहे के लिए? ठाकुर साहब, पुलिस हमनी के पीछे लागल बा, हम जैसे तैसे छुप रहल बानी, ठाकुर साहब हमनी के बचा ली। ससुरा, कौनो हमसे पूछ के गेल रहले का बच्चा उठावे? खैर, अभी पुलिस से बच्चे के बाद कुछ दिन खातिर नेपाल भाग जो, शराफत नेपाली से मिल, वो तोरा रहे खाए के बंदोबस्त कर दी। और हाँ, आइंदा एजा फोन मत करे। ठीक है ठाकुर साहब। अर्जुन, हमनी के भी पीछे पड़ल होखी, अब कुछ दिन काम संभल के करे के पड़ी, समझ ला? जी भाई साहब। सर आओ अर्जुन, एक खास जिम्मेदारी देने के लिए आपको बुलाया है, बैठो। अर्जुन, आज हमारे देश को पड़ोसी मुल्क से आने वाले दहशतगर्दों से बहुत खतरा है, और उससे भी ज्यादा खतरा देश के अंदर रहने वाले गद्दारों से है, और इन्हीं गद्दारों पे नकेल कसने के लिए हमने एक मिशन तैयार किया है। डीएसपी साहब इस मिशन की जानकारी दे देंगे। थैंक यू सर। अर्जुन, जैसन की एसपी साहब बतौले, हमनी के मुल्क में पड़ोसी मुल्क से लाके हर साल लगभग 500 करोड़ के नकली नोट हमनी के इलाका से होकर पूरा देश में जाएला। नकली नोट के माफिया हमनी के मुल्क के दीमक के तरह चाट रहल बाड़े, खोखला बना रहल बाड़े। पर अफसोस के बात तो ये बा कि ये सब हमनी के आँख के नीचे हो रहल बा। अगर हमनी के पूरा ताकत से नकली नोट के कारोबार के रोक देनी तो हमनी के देश के बड़ा राहत मिली। गौर से देखा अर्जुन, यह शराफत, शराफत नेपाली, ये धंधा के मास्टरमाइंड। पहले ये हमनी के सेना में सिपाही रहे, पर एक बारी आतंकवादियों के गोली बेचत समय पकड़ल गए तो ओकर कोर्ट मार्शल हो गए और ओकरा 7 साल के सजा हो गई। मगर ये जेल से भाग के नेपाल चल गई और पुलिस की आंख में धूल झोंक के आज तक नकली नोट के कारोबार कर रहल बा। बहुत शातिर और खतरनाक बाई, जब से भारत सरकार 1000 और 500 के नोट के बंद कर देले बा, तब से ही अपन पुराना नोट के खफावे खातिर अपन धंधा कुछ ज्यादा ही तेज कर देले बा। ई इलाका से नकली नोट के जखीरा भारत में ले आवेला और यहाँ से अपना देश के अलग अलग हिस्सा में पहुँचावेला। मगर ई गोरख धंधा में कुछ गद्दार लोग भी शामिल बाड़े। हमनी के खुफिया टीम के शक बा कि एकरा में देवा और गेरू जैसन लोग भी शामिल हो सकत बाड़े। ई फाइल में उनकर पूरा जानकारी बा। यस सर, ये काम हम पूरा ईमानदारी और लगन से निपटाए सर। गुड, अब तुम जा सकते हो। जी सर। का शर्मा जी, सुबह सुबह ही पटाखा फोड़े लगनी? अरे आपके पता चल गई महाराज। अरे का कहें, रात ही जब पेट में गड़बड़ बा। आ मिसिर जी, बहुत दिने से दिमाग में एगो सवाल तय रहता, पूछी का? पूछी कनु परमिशन लेवे के हो का? उ का है मिसिर जी, जब लोग सूसु करे जाले तो एक नंबर के इशारा करे ले, और जब डट्टी करे जाले तो दो नंबर के इशारा करे ले। आ जब पेट के गुमारा फाटे लगे महाराज, तो ओ खातिर कौन सा इशारा होला? देखी शर्मा जी, जब पेट के गुब्बारा फूटेला तो ओकरा खातिर कोनो इशारा ना होला, बुझनी? सर, जब पेट के गुब्बारा फूट के चारों तरफ फैलेला तो ओकरा खातिर ऐसे इशारा होखेला। अच्छा, ई का चला था यहां? शर्मा जी, ई का खुसर पुसर हो रहल बा? ओ कुछ नहीं हुजूर, ओ तो मिसिर जी से तबियत पर चर्चा होत रहे। हजूर, कौनो मैडम आइल बाड़ी एफआईआर दर्ज करावे, वो कहा तारी ये आपके आए के बाद एफआईआर दर्ज करवाई। ठीक बा, भेजाओ के जी। अच्छा, तो तू बाड़ू एकरा खिलाफ एफआईआर करे के बा, शिकायत का बा? देख इंस्पेक्टर साहब, हमार शादी की उम्र हो चुकल बा, और हमार बाबूजी शादी के बात ही ना चलावे ले, और जिकरा से हम शादी करे चाहेले वो कहीं और भागल फिरल रहेला, उकरा ही खिलाफ एफआईआर दर्ज करावे चाहतन। काहे, वो बदमाश है का? ना, लड़का तो बहुते निमन बा, मगर दिल ना बा उकरा पास। अच्छा, के बाओ? वो तोरा साथ वादा कहके कुछ कैलस तो ना? ना, अरे कुछ कर ले तो काहे आईती राउर पास एफआईआर लिखवावे, ओइजे ही मामला रफा दफा ना कर लेती। मतलब? अच्छा ये बतावा,
उ रहेला कहां? हमरा दिल में रहेला ई लौंग कर पता। शर्मा जी हजूर, तली गाड़ी निकाली, तली देखल जाओ केवा। इंस्पेक्टर साहब, दिल के मामला हा, समूचे थाना ले जाए के का जरूरत हा? अकेले चली, कौनो जोर जबरदस्ती नहीं हा, थोड़ा प्यार से समझावे के पड़ी। मन लपलपावे से मिले तनी अपन वर्दी के तक ख्याल करा। हजूर, अब मन के वर्दी से का, अब मन है तो लपलपाइबे नु करी। आ जाके अपन काम करी। आ जी हजूर। Thank you.
भीगी रात के बहाने आ जा, बरसात के बहाने आ जा, लोग के मार के पीट के सबके भगा दी और भाभी के बचा ली। फिर भाभी के रउआ से प्यार और कृष्ण से नफरत। मजनू अरे देखला में रुई और चुअला पे मखमल और धैला पे रजाई के मजा दे रहे। नो प्लीज प्लीज बचावा, ना, छोड़ दे प्लीज। रस्सी फसल बा ए कल्लू जो 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 चढ़ के जल्दी रस्सी काट काट जल्दी।